केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जयवर्धन सिंह ने आड़े हाथों लिया और उनके ऊपर देह उधेड़ दिया बातों का। बता दें कि एक दिवसीय मुरैना भ्रमण पर आए पूर्व मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान जहां भाजपा पर भ्रष्टाचार तथा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लालच से उपलब्धि लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया द्वारा कांग्रेस पर किए जा रहे हमले भाजपा से मिली विशेष उपलब्धियों के कारण निरंतर बदल रहे रंग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा को छोड़कर जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने जयचंद बताया है। उन्होंने जयवर्धन सिंह से ने मंत्री व विधायकों पर मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। एक प्रश्न के जवाब में कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं के कारण वे वापस आने पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाताओं का अपमान करने वाले को कांग्रेस कभी सपोर्ट नहीं करेगी और स्वीकार नहीं करेगी। बता दें कि जयवर्धन सिंह को मुरैना में अध्यक्ष द्वारा आयोजित विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे। यह कार्यक्रम जीवाजीगंज स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। मुरैना विधायक की अनुशंसा पर जीवाजीगंज स्थित पार्क में खेल के एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा ओपन जिम स्थापित की गई है। वहीं पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पूरा खुलकर बरस पड़े। तो इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तमाम विरोध उठ रहे हैं। तो इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।